Good morning class, today is your English class and today we will learn sound of vowel A. आज हम vowel sound A के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर देखिए आपको कुछ pictures दिखाई दे रही हैं. आपको इन pictures को ध्यान से देखना है, then आपको उनके name guess करने हैं. Okay, now let me start. What is this? This is a cat. This is a van. Mat, bat, map, fan, jam, and last of the list, tap. This is a tap. यहाँ पर हमने pictures को देखा और उनके हमने name guess किए. लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ आपको words दिखाई दे रहे हैं. आपको इन words को ध्यान से देखना है, then आपको इन्हें read करना है. लेकिन read करने से पहले आपको फोनिक साउंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना फोनिक साउंड को जाने हम किसी भी वर्ड को अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जब तक हमें फोनिक साउंड लर्न नहीं होंगे हम किसी भी वर्ड को अच्छे से रीड कर ही नहीं पाएंगे. इसलिए आपको फोनिक साउंड अच्छे से लर्न होनी चाहिए. जैसे हम किसी भी वर्ड को पढ़ेंगे उससे पहले हमें उसका फोनिक पता होना चाहिए. जैसे अभी देखिए ये वर्ड है CAT. सी सेज फॉर कैट, A says for A and T says for ta. So हम इसको कैसे पढ़ेंगे? Cat, cat. Next है RAT, rat. R says for rat, A says for A and T says for ta. So इसको कैसे पढ़ा हमने? Rat, rat. Phonic sound की हेल्प से आप किसी भी वर्ड को बहुत इजीली अच्छे से पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट है MAT, मैट, मैट. BAT, बैट, बैट. इसको हमने कैसे पढ़ा? B says for bat, A says for a and T says for tap, बैट. PAN, P says for pan, A says for a and N says for na. So हमने इसको कैसे पढ़ा? Pan, pan. MAN, man. FAN, fan. VAN, van. V says for va, A says for a and N says for na. VAN, van. Next is CAP, cap. MAP, map. TAP, tap. T says for tap, A says for a and P says for pa. So इसको हमने कैसे पढ़ा? Tap, tap. Next is LAP, lap. L says for lap, A says for a and P says for pa. Lap, lap. Next is HAM, ham. H says for hair, A says for a and M says for man. तो इसको हमने कैसे पढ़ा? HAM, ham, ham. DAM, dam. JAM, J says for jam, A says for a and M says for man. तो क्या बन गया ये वर्ड? Jam. Next is RAM, ram. R says for ra, A says for a and M says for ma. Ram. इसको कैसे पढ़ा हमने? Ram, ram, ram. आप सभी इन सभी वर्ड्स को अच्छे से रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, और नोटबुक में इन वर्ड्स को लिखते टाइम आप अच्छे से इसको बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको ये लर्न भी साथ के साथ हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.